इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कनेक्ट टू ए नेटवर्क, और यहाँ पर हमें लिखा आता है नीचे विंडोज़ वाज अनेबल टू कनेक्ट वाईफाई देयर। ये प्रॉब्लम क्या होती है और इसका क्या सलूशन है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, पीसी के अंदर हमारे इशू आ रहा है और ये वाईफाई से जैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं तब हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्ट, हम इससे कनेक्ट करते हैं इसको, ना तो कोई पासवर्ड ना कुछ ना किसी तरीके की हमसे अथॉरिटी या किसी भी तरीके का कुछ नहीं मांग रहा, सिर्फ सिंपल हमें दिखा रहा है विंडोज़ वन वाज इनेबल टू कनेक्ट। और जैसे ही हम इसकी प्रॉब्लम को ढूंढने की सोच ढूंढते हैं पहले इसकी प्रॉब्लम क्या है, तो यहाँ पर सिर्फ तीन इशू दिखाता है। एक इशू ये दिखाता है कि आपका प्लगिंग नहीं हुआ है, दूसरा इशू ये दिखाया है कि 10 सेकंड का वेट कीजिए, और तीसरा इशू ये दिखाता है कि 10 आप कनेक्ट कीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है पहले हमारी पीसी के अंदर, इसको कंप्लीट होने देते हैं। सबसे पहले वेरीफाई हो रही है हमारी यहाँ पर वायरलेस कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया इसी तरीके से दिखा रहा है। और यहाँ पर चेक दिस प्रॉब्लम फिक्स, तो तब भी कुछ नहीं दिखाएगा, सिर्फ वही चीज़ दिखाएगा बार बार जो कि मैं आपको बता रहा। अब जो इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे किया जाए और रियली में ये प्रॉब्लम होती क्या है, देखिए यहाँ पर जो भी आप वाईफाई यूज़ करते हैं ना, तो जो भी वाईफाई आप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर से ही आपकी वाईफाई ब्लॉक की जाती है, तो वो होता है यहाँ पर वायरलेस एडॉप्टर एक्सेस पॉइंट, यहाँ पर डिटेक्टेड कर लिया जाता है, यानी कि उसकी तरफ से जहाँ से आप वाईफाई को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं उससे आपका सिस्टम जो है डिसेबल्ड होते रहता है, ब्लॉक लिस्ट होया रहता है। अब यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं यही एरर आ रहा है, लेकिन अब मैं अपनी वाईफाई को ऑन करूँगा और उसको डिसेबल पर से हटाऊँगा, उसको अलाउ करूँगा, तो देन यहाँ पर ये जो है हम इसको फिर कनेक्ट करेंगे तो ये प्रॉपरली जो हैगा कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्टिंग एंड देन ये कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने वहाँ से हटाया, यहाँ से कनेक्ट हो गया। अब जैसे हम इसको मैं ब्लॉक करता हूँ यहाँ से हमारे सिस्टम में आ जाएगा, या मैं यहाँ पर इसको ब्लॉक करता हूँ, देन ब्लॉक कर दिया मैंने, ओके ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश मारता हूँ तो ये डिसकनेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही डिसकनेक्ट होगा और हम इसको दोबारा कनेक्टिंग पर लगाएंगे तो वही एरर। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों आता है ये एरर, कैसे सोल्व कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो यहाँ पर पसंद आई हो आपके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि कभी ना कभी आपको इस चैनल की ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूर ही पड़ेगी, तो सब्सक्राइब तो ज़रूर से ही कर दीजिएगा।